आज हम अपना ज्वेलरी बॉक्स साफ कर रहे हैं, तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आज बिटिया का मूड हुआ कि वो अपना सारा सामान सेट करेंगी, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, सामान सेट करने के साथ साथ हमारा ज्वेलरी बॉक्स भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए बिटिया आपको क्या दिखा रही है। तो ये आपको मैजिक पेन दिखा रही है, जो कि कुछ भी आप लिख दीजिए, तो जब तक आप लाइट नहीं लगाएंगे, इस पेन वाली लाइट जब तक आप नहीं जलाएंगे, तब तक आपको दिखेगा नहीं कि क्या लिखा है। तो ये बिटिया अपना सामान आप लोगों को दिखा रही है, क्या क्या सामान ये सजा के रखी हैं, सब अपने डिब्बे में पैक करके रखी हैं। तो देखिए हम वीडियो को थोड़ा फास्ट करके दिखा रहे हैं आपको, नहीं तो वीडियो हमारा बहुत लंबा जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा बढ़ा के दिखा रहे हैं आपको। तो आप देख लीजिए ये बिटिया का सामान है, जो बिटिया अपना छोटा छोटा पुटो रखी हुई हैं। और ये हमारी ईयरिंग है, ये देखिए ये रिंग है राधा कृष्ण की। तो रिंग मुझे बहुत पसंद है, ईयरिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो इनको हम ज़्यादा पहनते नहीं हैं, कभी कभार पहनते हैं, तो हम इसको अच्छे से रखे हुए हैं। तो आज हम पूरी तरह से सफाई करेंगे डिब्बों की, उसके बाद हम इसको दोबारा फिर से रखेंगे इसी में, क्योंकि ये ज्वेलरी हमारी सारी उल्टी सीधी रखी हुई है, काफ़ी दिन हो गए हैं, हमने साफ़ नहीं किया था, और पहनते थे ऐसे ही उतारते थे और डाल देते थे। तो आज थोड़ा फ्री थे, तो हमने सोचा क्यों ना आज सेट कर लिया जाए। तो हम सेट करने जा रहे थे, तो बिटिया ने कहा कि नहीं मम्मी हम सेट करते हैं। तो मैंने सोचा चलो बिटिया सेट करेगी और हम वीडियो शूट कर लेंगे, ताकि आप लोगों के साथ हम ये वीडियो भी शेयर कर सकें। तो देखिए बिटिया पूरा सामान निकाल रही है, और निकाल के एक एक करके अच्छे से सेट करके लगा रही है। तो ये सामान ऐसा है कि कभी कभी बिटिया का भी मन करता है तो बिटिया भी पहनती है, जैसे रिंग वगैरह हैं, तो रिंग हम ज़्यादा नहीं पहनते हैं, तो रिंग तो बिटिया ही पहनती है। तो ये अपना रिंग विंग भी हमारी ज्वेलरी के साथ में ही रखती हैं अपना। ये हमारी ज्वेलरी है, कुछ नेकलेस हैं गले के, जो कि उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, एक दूसरे में फंसे हुए हैं। तो इनको भी हम निकाल के अच्छे से सेट करेंगे, कॉटन वॉटन लगा के रखेंगे, ताकि ये हमारे सेट जो हैं ख़राब ना होने पाए, क्योंकि ऐसे हम रख दिए थे, हमारे पास टाइम नहीं था, कहीं जाना था, तो हम आए थे वहाँ से वापस, तो यूं ही निकाल के ऐसे ही डाल दिए थे। तो आज हम फ्री हैं, तो अच्छे से इसको सेट करके लगाएंगे। तो ये देखिए चूड़ी है बिटिया की, और ये ईयरिंग हमारी हैं, जो कि हम पहनते हैं कभी कभी। तो ये सब एक में ही फंस गई हैं, तो इनको भी हम अच्छे से सुलझा के रख देंगे। और ये हमारा गले का सेट है, थोड़ा भारी सेट है, शादियों में ही पहनने वाला है, तो इसको भी हम अच्छे से रख ही देंगे, ये रोज़ पहनने वाली चीज़ें तो हैं नहीं, कभी कभार पहनी जाती। ये हमारी देखिए नथ है नाक की, तो इसको हम तो सिर्फ करवा चौथ पे पहनते हैं। ये मांग टीका है, ये सारी ऐसी ज्वेलरी हैं या तो शादी ब्याह में पहनो या करवा चौथ, तो ऐसी चीज़ों में ही पहनी जाती हैं। ये देखिए बिटिया का हाथ फूल है, इसका हमें शौक़ नहीं है, तो बिटिया को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का शौक़ है, तो ये बिटिया का हाथ फूल है। तो हमारी ज्वेलरी के साथ बिटिया अपना हाथ फूल भी रख रही है, क्योंकि मालूम है कि रोज़ पहनने वाली चीज़ें नहीं हैं, तो इनको हम सेट करके बस रख देंगे, कहीं जाना होगा तो हम फिर से निकाल लेंगे। तो जो भी हमारी ईयरिंग रिंग नेकलेस जो भी होंगे हम अच्छे से रखेंगे। ये देखिए और हमारी ईयरिंग है, ढेर सारी ईयरिंग है, ये हमारी बहुत पुरानी ईयरिंग है, काफ़ी दिनों पहले हमने ख़रीदी थी और अच्छे से संभाल के रखे हुए हैं इनको, कभी कभी मन करता है तो पहनते हैं। एक टूट गया है, ये इसका जो लटकन है तो एक टूट गया है, और सारी ईयरिंग सही हैं अभी। ये हमारी साड़ी की पिन है, ये भी ईयरिंग है, मैचिंग की साड़ी पर की है हमारी। ये देखिए मोर वाली डिज़ाइन का जो ईयरिंग है, ये मुझे बहुत पसंद है, तो आप लोग भी देखिए मोर वाला डिज़ाइन, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये मोर वाला डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है। ये ईयरिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है,
इसको भी हम बहुत संभाल के रखे हुए हैं, तो कॉटन तो ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम ये सारी इयरिंग ऐसे ही रख देंगे। और ये अभी नई है हमारी, न्यू है, अभी हमने इसको एक बार भी नहीं पहना है, तो इसको भी हम रख लेंगे उसी के साथ में। और ये है इयरिंग, तो इसका एक लटकन टूटा हुआ है, हम इसको रख देंगे, बाद में फ्री होंगे तो हम इसको जोड़ लेंगे। तो ये हमने इयरिंग पूरी अच्छे से रख दी है। तो जो ज्वेलरी में रखने वाली चीज़ें हैं वो हम ज्वेलरी के डिब्बे में रखेंगे। और ये बिटिया का कुछ सामान है जो अपना स्कूल जाती हैं आती हैं, अपना थोड़ा बहुत संभाल के रखे हैं। देखिए चिमटी हैं, बालों में लगाने वाली हेयर पिन जिसको बोलते हैं, और इनका ये छोटा सा टेडी बियर है इनका, और इनकी जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, सिक्के हैं, देखिए कितने सारे सिक्के निकले हैं। और ये पूरा ऐसे ही बॉक्स बना है, गिफ्ट पैक है, उसी के अंदर ये अपना सारा सामान रखती हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर रखना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भी इनको मिलती जाती हैं इधर उधर से, कहीं जाती हैं घूमने, कुछ भी अच्छा ख़रीदती हैं तो उसको संभाल के रखे रहती हैं काफ़ी दिनों तक, फेंकती नहीं हैं। तो देखिए ये पूरा हम जो भी ज्वेलरी वेलरी हमने सेट की है उसको हम अच्छे से रखे दे रहे हैं। और ये हमारी बिटिया की डायरी है, छोटी सी डायरी है, इनकी जो भी स्कूल की फ्रेंड वगैरह हैं उनके नंबर, मोबाइल नंबर हैं, उनका बर्थडे है, तो ये सब अपना नोट करके रखती हैं। तो ये इस डायरी में अपनी सहेलियों के बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ, यही सब चीज़ें ये अपना नोट करके रखी हैं इसमें। और ये भी डायरी है इनकी, तो ये दोनों डायरी बिटिया की हैं। ये आईशैडो है, तो हम सब लोग इसको यूज़ करते हैं, बिटिया भी यूज़ करती है, हम भी यूज़ कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें हम शादी बारात में ही लगाते हैं। और ये देखिए नेल पेंट है, जो कि हमारी नेल पेंट सारी इधर उधर थी, तो हम इनको इकट्ठे कर रहे हैं। पूरा डोर हमने साफ़ किया है अभी अभी, ये रैक बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, सामान पूरा फैल गया था। और ये बिटिया का बायजूस से गिफ्ट आया था, तो इसमें ज्योमेट्री बॉक्स था, तो ये बिटिया का बर्थडे गिफ्ट है, तो बिटिया ने इसको भी बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। ज्योमेट्री बॉक्स कभी ये यूज़ नहीं करती हैं, ये सिर्फ देखने के लिए रखी हैं। और ये हमारी ब्लूटूथ है, जो कि हम इसको रखे हुए हैं, अभी हमको इसका काम नहीं रहता है, जब हम अभी तो हमारे पास लीड है तो हम लीड से काम चलाते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम इसको रखे हैं संभाल के, क्योंकि ये छोटी छोटी सी होती हैं तो खो भी जाती हैं, तो इसलिए हम इसको अच्छे से रखे हैं। तो देखिए हमने अपना पूरा सामान अच्छे से सेट कर लिया है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स।